नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर हमारे पास जगह की कमी है, तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे ना अपनी जगह को, अलमारी की जगह को जहाँ पे हम कपड़े रख रहे हैं उसे कैसे हम बढ़ाएं और कपड़ों को उसमें रख सकें। कुछ सिंपल से DIY हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको अच्छे लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसे लगे, और अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं ऐसे DIYs को तो वो भी मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, ये मेरी अलमारी और इसमें ना कोई भी शेल्फ नहीं है, तो इस वजह से कपड़े रखने में परेशानी होती है। तो आज मैं कर रही हूँ कुछ जुगाड़ और आपको भी बता रही हूँ कि आप कैसे अपनी एक छोटी सी अलमारी में ज्यादा कपड़े रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी अलमारी में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने ये दो कार्डबोर्ड के बॉक्स लिए हैं। इसके ऊपर के जो होते हैं ना कवर, इसको करने वाले जो कार्डबोर्ड होते हैं उनको मैंने कट कर लिया है। एक का तो मैंने कर लिया है, दूसरे का मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो इसके चारों तरफ से जो इसके कवर करने वाले ये कार्डबोर्ड है इनको हम कट कर लेंगे, चारों किनारे इनके काट लेंगे। इनको सिर्फ एक सिंपल बॉक्स टाइप में हम तैयार कर लेंगे। काटने के बाद अब हमें इन्हें एक के ऊपर एक हमें इन्हें एडजस्ट करना है इस तरीके से। अब इनको हमें ऐसे फिक्स करना है कि ये हिले नहीं, तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फेविबॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास ये थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। लेकिन इसको हमें और भी मजबूती देनी है तो इसके लिए मैंने फिर इसको ना टेप से भी अच्छे से कवर कर दिया कि नीटनेस रहे इसमें, तो टेप मैंने अच्छे से इसमें लगा दी। दोस्तों, कोई भी DIY अगर हम बनाते हैं और उसे अगर हम नीटनेस के साथ करें तो वो और भी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। जब मैं कोई DIY करती हूँ ना तो मेरे बच्चे मेरे आसपास ही होते हैं तो वो भी मुझे हेल्प करवाते हैं कि भाई ये सामान देना है, करना है। उनको अच्छा लगता है, वो एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ भाई मम्मा कुछ कर रही है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ बातें करते हुए और मैंने ये DIY तैयार किया जो कि बहुत मजबूत सा बन गया है अब। लेकिन इसके जो चारों किनारे थे जो मैंने कट किए थे इनको भी मैंने टेप की हेल्प से ना सिक्योर कर दिया है, जिससे कि देखने में अच्छा लुक प्रोवाइड करे। दोस्तों, ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं वो हमारे घर में आते ही रहते हैं, कोई ना कोई सामान आता रहता है, या हम कोई ऑनलाइन कुछ मंगाएं तो वो आ जाता है, या कुछ भी चीज हम ऑफलाइन भी खरीदते हैं तो वो इसमें ऐसे बॉक्सेस में ही हमें मिलते हैं। तो इस तरीके के बॉक्सेस हमें आम तौर पर हमारे घर पे मिल जाते हैं, छोटे हो या बड़े हो। तो मैंने दोनों बॉक्सेस में क्या किया है, उनके किनारों को इसी तरीके से सिक्योर कर दिया है, मजबूती से इनको फिक्स कर दिया और साफ सुथरे लगे इसलिए इनके किनारों को भी टेप से कवर कर दिया। और इन चीजों में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और अपने घर में हम एक एक्स्ट्रा स्पेस कर लेते हैं। तो अब ये मेरा तैयार हो गया है, अब हम इसे रखते हैं अलमारी में। अब ये देखिए, मेरी जो अलमारी में बन गए ना बॉक्सेस का, यानी कि खन्ने बन गए ना, तो इनमें मैंने अपने ऐसे कपड़े रखे हैं। दो जो बॉक्स थे उनसे दो शेल्फ्स बन गई हैं और उनके ऊपर तीसरी शेल्फ भी निकल आई है। देखिए, इसके ऊपर जो भी चाहे आप अपना सामान रख सकते हैं, चाहे तो कपड़े रख सकते हैं, चाहे तो कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और ऊपर भी काफी स्पेस बच गया है, चाहे आप अपने कपड़े हैंग भी इसमें कर लीजिए, कितने सारे कपड़े हमारे इसमें आ जाए। साथ में साइड में जो जगह थी वो बच गई थी, तो इसमें मेरा ये DIY है ना, इसमें मैंने सॉक्स करके रख दी है तो वो स्पेस भी निकलाई। एक और DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऐसे बैग जो होते हैं हमारे पास होते ही हैं, अगर हम मार्केट से शॉपिंग करके ला रहे हैं, कहीं से कुछ भी ला रहे हैं, तो ऐसे बड़े बड़े बैग आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हम इनका अब करें क्या, और लास्ट में होता क्या है ना, इन्हें हम एक कोने में स्टोर करके रख देते हैं।
लेकिन इनका हम बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इनके जो दोनों तरफ के जो इनको एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं ना पार्ट, उनको मैंने कट कर दिया। तो इनको दोनों तरफ से हमें कट करना है, थोड़ा सावधानी से कट करना है कि हमारी नीटनेस जो है वो बनी रहे। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी कटिंग अगर आप कर देंगे चीज में तो फिर हमें उतना वो देखने में ना सुंदर नहीं लगता, अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो बस ये बात का हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइम लेकर इसको अच्छे से काटना। मैं दोनों ही तरफ से इसको काट लूंगी, मैंने काट लिया। अब हम इसको लगाते हैं अपनी अलमारी में। तो मैंने इसे इस तरीके से अपनी अलमारी में टांग दिया है। और अगर अब आप चाहते हैं तो इसमें कोई कार्डबोर्ड का पीस रख लीजिए या कोई लकड़ी का छोटा सा पीस रख लीजिए। मैं यहाँ पर एक लकड़ी का पीस रख रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, हमारे कपड़ों पे जो आयरन हुई रही है या हमने उनको जिस तरीके से फोल्ड किया है वो तय हमारी खराब ना हो, इसलिए मैंने ये लगाया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं लगाना तो लगाइए, नहीं चाहते हैं तो मत लगाइए। और इसमें इतने सारे कपड़े आ गए ना, बहुत अच्छा लगा, ऐसे भी नहीं लग रहा था कि खराब है, बहुत प्यारा लगा। दोस्तों हम मार्केट से ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर खरीद के लाते हैं लेकिन इन्हें हम घर पे बना सकते हैं। देखिए वो प्लास्टिक के तो नहीं होंगे, वो होंगे कार्डबोर्ड के, लेकिन हमारी जगह को वो यूटिलाइज करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे और पैसे भी बचाएंगे, सबसे बड़ी बात। तो मैंने ये दो ऑर्गेनाइजर बनाए थे, इन्हें आपके साथ शेयर भी किया था, तो इनका इस्तेमाल भी मैं आज अपनी अलमारी में करूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे भी कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजर में मेरे जितने भी हस्बैंड के या बच्चों के इनर वियर होते हैं वो सारे रख दिए हैं, और एक में मैंने अपने पर्स रख दिए हैं क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जाए तो इनके लिए ही जगह नहीं मिलती है पर्स के लिए। तो इनको मैंने एक ऑर्गेनाइजर में एक साथ इकट्ठा करके, और एक मेरी छोटी सी डायरी है वो भी मैंने इसके साथ रख दी कि कुछ लिखना हो सडनली तो इसको निकालो और भाई अपना लिख लो, नोट डाउन कर लो। और ये जो मेरे जो प्लास्टिक के थे ऑर्गेनाइजर, इनमें भी मैंने अपने नाइट में पहनने वाले कपड़े वो भी फोल्ड करके रख दिए हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी पूरी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर लिया, वो भी DIYs के साथ। और ये देखिए मैंने अपने कपड़े भी हैंग कर लिए हैं हैंगर में। तो ऐसे आप अपनी छोटी सी जगह को और भी बड़ा लुक दे सकते हैं। दोस्तों ये भी एक ऑर्गेनाइजर मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत फायदे का है। इस पे मैंने सारे दुपट्टे हैंग कर दिए हैं, लेकिन इसका एक यूज हम और कर सकते हैं। इसमें हम अपने जितने भी हमारे क्लेचर वगैरह हैं, हेयर बैंड्स हैं, बच्चों के होते हैं ना, उनको आप इसमें टांग सकते हैं, क्लिप्स टांग सकते हैं। इससे होता क्या है ना कि ये सारी चीजें विजिबल होती हैं, जब भी हम अपना कबर्ड खोलेंगे तो हमें ये चीजें दिखेंगी और हम इनका यूज कर लेंगे, वरना अगर दिखेंगी नहीं ना तो हम जो चीज सामने दिखती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी पूरी अलमारी का पूरा ही जो इसका लुक था बदल दिया और बहुत सारा स्पेस इसमें क्रिएट कर लिया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरी बेटी की डॉल है, इसको मैंने इसी में हैंग कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरा कबर्ड ऑर्गेनाइज किया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।